नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे कमेंट पढ़ने के बाद मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पोल का राज क्या है, पोल क्या होती है, किसको पोल कहते हैं, आखिरी पोल है क्या। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले तो सोचा कि आज वीडियो बनाया जाए और डायग्राम से ही आपको समझाया जाए। ठीक है, तो पोल का मतलब है, आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए, एक मोटर है थ्री फेज की। मान लीजिए एक थ्री फेज की मोटर है जिसके अंदर हम 6 सेट इंस्टॉल करते हैं, कुछ इस तरह से। चाहे एक सेट में कितने भी क्वाइल हो, आपको सेट नोट करने होते हैं। ठीक है, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना, अच्छे से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दो मैंने बना दिए यहाँ पे, दो सेट। ये तीसरा है, ये चौथा है। पांचवा है, छठा है। तो 6 सेट, मान लीजिए समर्सिबल मोटर है थ्री फेस की या कोई भी मोटर है थ्री फेस की, इसमें इस तरह के कॉइल्स हैं। ठीक है, इसमें ये तार जो है वो ये तार, यहाँ शुरू करते हैं, इनर आउटर, इनर आउटर। ठीक है, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर। ठीक है, तो थ्री फेस की मोटर है तो टोटल 3 फेस जाने चाहिए। हमारे पास टोटल है 6 सेट, तो आमने सामने इसके हम कनेक्शन करते हैं। आमने सामने हम इसके कनेक्शन करते हैं, किस किस वाले के, इन 2 सेटों के। आउटर से आउटर या इनर से इनर करते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी के कनेक्शन हो चुके हैं और 6 इनर तार हमारे बचे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, जिन जिन सेटों के अंदर कनेक्शन हुए हैं उनको पोल बोला जाएगा, उन सेटों के, जितने सेटों में कनेक्शन हुए हैं, ठीक है, उनको पोल बोला जाएगा एक फेस में। ठीक है, एक फेस में। तो हमारा ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। पहला चौथे के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है, दूसरा पांचवे के साथ, तीसरा छठे के साथ। अब देखिए, अब जब हम करंट देंगे ना इसमें, या पैलर करके दें या स्टार करके दें,
कैसे भी दें तो करंट जाएगा हमारा, एक तार जाएगा पहले में चौथे में, दूसरा जाएगा हमारा दूसरे में पांचवे में, तीसरा फेस जाएगा तीसरे में छठे में। इसलिए तीन फेस दो दो ग्रुप में जा रहे हैं, मतलब एक फेस जा रहा है तीनों में से कोई भी एक फेस मान लो, एक फेस जितने ग्रुप में जाएगा वही पोल है। यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? दो। एक फेस कितने में जा रहा है? दो में जा रहा है। तो ये दो पोल की मोटर होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन फेस हैं तो यहाँ पे दो पोल, क्योंकि यहाँ पे दो पोल ही कनेक्ट हैं एक फेस में। अगर यहाँ पे तीन पोल कनेक्ट होते एक फेस में, तीन दो की जगह तीन पोल कनेक्ट होते तो इसको तीन पोल की मोटर हम बोलते, चार पोल कनेक्ट होते तो चार पोल की मोटर बोलते। जितने ज्यादा ग्रुप यहाँ पे एक फेस में कनेक्ट होते उतने की हम मोटर बोलते। अब मान लीजिए इस कनेक्शन को हटा दीजिए, एक मोटर है जिसमें ओनली छह सेट डाले गए हैं, छह सेट डाले गए हैं और सिंगल फेस की मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पन्ना में चेंज कर लेता हूं, तो एक मोटर है, ठीक है, उसमें तीन डाले गए हैं मान लीजिए, सॉरी छह डाले गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से डाले गए हैं। ठीक है, एक मोटर है जिसके अंदर छह सेट हैं, तीन रनिंग के हो गए, तीन स्टार्टिंग के हो, कैसे भी हो गए, तो इसमें कनेक्शन बनते हैं मान लीजिए तीन रनिंग के हैं, तो ठीक है, एक तार ये आ जाता है, एक तार इसका ये आ जाता है, इस तरह से ये तीन भी इसी तरह से कनेक्ट होंगे, जैसे मैंने तीन किए हैं, तो एक से तीन में होंगे, एक से चार में होंगे, वो अलग चीज है। यहां पे मैं बता रहा हूं यहां पे कनेक्शन तीन के बने हैं, वन टू थ्री, यहां पे कनेक्शन तीन के बने हैं। तो इस मोटर को बोला जाएगा, इसमें एक फेस जो है या तो स्टार्टिंग ये रनिंग का जो है वो यहां पे तीनों में जा रहा है, तो यहां पे इसको तीन पोल बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोला जाएगा कि तीन पोल की मोटर है। यहाँ पे ये क्वाइल्स अगर यहाँ पे तीन कनेक्ट है, यहाँ पे दो होती तो उसको दो पोल बोला जाता, ठीक है, चार होती तो चार, जितनी होती उतनी ही। एक फेस में आपको नोट करना है। अब सिंगल फेस का जो हम फर्राटा होता है हमारा, तो उसमें क्वाइल देखिए कुछ इस तरह से होती है, एक क्वाइल ऊपर होती है, एक क्वाइल नीचे होती है रनिंग की, ठीक है, स्टार्टिंग की भी कुछ इस तरह से ही होती है दो क्वाइल, तो कनेक्टिंग होती है रनिंग, ये एक से तीन में होती है ना, और दो तार निकालते हैं, तो इसको बोला जाता है, ये 2880 आरपीएम देती है, इसको बोला जाता है टू पोल मोटर। और थ्री फेस में सेम टू सेम, यहाँ पे रनिंग के अंदर दो होती हैं, यानी कि एक फेस रनिंग के अंदर यहाँ पे जा रहा है दो दो सेट के अंदर या दो क्वाइलों के अंदर, तो यहाँ पे दो पोल बनेगा। इसी तरह से थ्री फेस में भी दो दो ही होती हैं, आमने सामने कनेक्ट होती हैं, तो उसको भी जिसमें छः हैं, तो ये जो मान लीजिए समरसिबल की है 2880 आरपीएम में, तो इसके भी दो पोल का मोटर बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे एक फेस में दो कनेक्ट हो रहे हैं। आपको ये नहीं गिनना है कि फेस कितने, आपको ये गिनना है आपको ये कि एक फेस में कितने सेट कनेक्ट हुए हैं, जी कितने भी क्वाइलों के हो कितने सेट कनेक्ट हुए। यहाँ पे अगर तीन सेट कनेक्ट होते तो तीन पोल का, चार होते तो चार पोल का, पांच होते तो पांच पोल का, तो ये होता है। अब इसको यहाँ पे दो दो कनेक्ट हो रहे हैं, एक फेस में दो दो ही हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो रहा है, चौथा नहीं हो रहा है, तो इसको टू पोल का मोटर बोला जाएगा। अब देखिए हमारे पास कूलर मोटर होती है, ठीक है, कूलर मोटर होती है, तो उसमें रनिंग क्वाइलें चार होती हैं, तो चार क्वाइलें रनिंग की हमारी उसमें कनेक्ट होती हैं, चार कनेक्ट होती हैं, तो उसको चार पोल का बोला जाएगा, जो कि 1440 आरपीएम में होती है, ठीक है। अगर हमारी मोटर के अंदर
इसमें 1440 वाली में चार कनेक्ट होती हैं, रनिंग में भी चार होती है और स्टार्टिंग में भी चार होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो दो वाली होगी जिसमें दो दो कनेक्ट होगी, रनिंग में भी दो और स्टार्टिंग में भी दो, तो उसको दो पोल की मोटर बोला जाएगा और 2880 आरपीएम वो मोटर देगी। ठीक है, एक के अंदर छह पोले कनेक्ट होती हैं, छह एक फेस में, ये छह अगर आपस में कनेक्ट होंगी और एक फेस इनके अंदर जा रहा है तो इसको छह पोल की मोटर बोला जाएगा, जो कि थ्री फेस मोटर में आती, बड़ी मोटरें होती हैं। तो इस तरह से होती है, आपको ये देखना है एक फेस में कितने कनेक्ट हो रहे हैं ग्रुप, कितने सेट कनेक्ट हो रहे हैं एक फेस में, तो आपको वो नोट करना है। ठीक है, तो ये होता है पोल का फंडा। तो ये छोटा सा वीडियो तो समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करिए और अपना नंबर दीजिए, फिर मैं आपको फ़ोन करके समझाता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।